नमस्कार दोस्तों, सी एस सी वेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको सी एस सी के एक नया सर्विस के बारे में, सी एस सी के एक नए अपडेट के बारे में जो कि है ऑटो लोन की सर्विस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सी एस सी की महिंद्रा फिनांस वाली ऑटो लोन सर्विस के बारे में। तो अगर आप भी एक सी एस सी वेली हैं और सी एस सी के थ्रू से जो महिंद्रा फिनांस का ऑटो लोन की सर्विस है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है महिंद्रा फिनांस की ऑटो लोन की सर्विस सी एस सी पोर्टल में और कितनी मिलेगी इस पर आपको कमीशन, कौन कौन से वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप लोन दिला पाएंगे और कौन कौन से व्हीकल होंगे, गाड़ियाँ होंगी जो फाइनेंस होंगी, कितना मिलेगा आपको कमीशन और कैसे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें करके डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं महिंद्रा फिनांस के व्हीकल लोन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ वाइड रेंज ऑफ व्हीकल लोन्स विथ अट्रैक्टिव फीचर्स एंड बेनिफिट फॉर सी एस सी कस्टमर। तो सी एस सी कस्टमर को आप सी एस सी वी एल ई के थ्रू से, सी एस सी के थ्रू से आप व्हीकल लोन दिला सकते हैं जहाँ आपको उन्हें अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा और क्विक लोन डिस्बर्सल होगा, मतलब ये लोन जो है आराम से जल्दी पास हो जाएगा। आगे बात कर रहे थे हम किन किन लोगों को हम लोन दिला पाएंगे। तो एज जिनकी 21 साल से 58 साल के अंदर है वो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, उनके लिए हम लोन का एप्लीकेशन अपने सी एस सी पोर्टल के थ्रू से कर सकते हैं। कस्टमर की प्रोफाइल क्या होगी, अगर कस्टमर एग्रीकल्चर का काम करता है तो भी आप उसे लोन दिला सकते हैं, कोई सैलरीड है, शॉपकीपर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कैब वगैरह ड्राइवर है तो वो भी यहाँ से व्हीकल लोन ले सकता है, एलिजिबल है व्हीकल लोन के लिए। किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है, तो केवाईसी चाहिए जैसे आधार पैन वगैरह होता है वो, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और इनकम प्रूफ के लिए आप सैलरी स्लिप फॉर्म 16 या फिर इनकम टैक्स रिटर्न कुछ भी दे सकते हैं। अगर कोई इम्प्लॉय है मतलब नौकरी पेशा आदमी है तो उसके लिए तो सैलरी स्लिप होगा या फॉर्म 16 होगा, लेकिन कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है तो उसके लिए आईटीआर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, अब लोन रीपेमेंट कैसा होगा, तो आप चाहते हैं तो कस्टमर को मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली लोन रीपेमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं। तो व्हीकल लोन में क्या होता है, कोई कोई गाड़ियाँ निकाल के ना किसी कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं तो वहाँ पे उनको मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पेमेंट मिलता है, तो उस हिसाब से अगर कोई ईएमआई सेट करना चाहता है तो आप वो भी उन्हें ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि टाइप ऑफ लोन क्या होंगे जो आपके थ्रू से कस्टमर को मिल सकता है। यहाँ पर ट्रैक्टर लोन दिला सकते हैं आप कस्टमर को, न्यू और यूज दोनों ही, कार लोन दिला सकते हैं न्यू और यूज दोनों ही, लोन अगेंस्ट व्हीकल भी दे सकते हैं, अगर कोई व्हीकल के अगेंस्ट में, गाड़िया के अगेंस्ट में लोन लेना चाहता है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। यूटिलिटी व्हीकल के लिए भी यहाँ पे लोन की सुविधा है, आप लोन दिला सकते हैं, और कोई थ्री व्हीलर जैसे ऑटो वगैरह लेना चाहता है तो भी उसके लिए लोन का एप्लीकेशन आप सी एस सी पोर्टल से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कमीशन की, तो अगर कोई कस्टमर सी एस सी के थ्रू से किसी कस्टमर का लोन का एप्लीकेशन पड़ता है और वो लोन अप्रूव हो जाता है और डिसबर्स हो जाता है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पड़ा, अप्रूव हुआ और डिसबर्स हो गया, तो उस पर आपको 0.80% का कमीशन मिलेगा एज ए सी एस सी वीएलई। ठीक है, मतलब कि अगर 1 लाख रुपए का लोन डिसबर्स होता है तो वहाँ पे 800 रुपये का कमीशन आएगा आपको एज ए वीएलई। ठीक है, अब एप्लीकेशन कैसे करना है, तो उसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और चले आना है सर्विस वाले टैब पर और यहाँ पे जाके ना सर्च पे जाके आपको क्लिक करना है लोन। ठीक है, जैसे ही आप लोन लिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन चले आएंगे और आपको चले आना है सी एस सी लोन बाजार, ये जो देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉगिन वाला पेज चला आएगा, डिजिटल सेवा कनेक्ट का बटन आपको ऊपर ही दिख जाएगा, आपको इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जा रहा है ऑटो लोन। ठीक है, इस ऑटो लोन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अलग अलग कंपनियों की डिटेल्स चली आएगी ऑटो लोन के लिए और हम बात कर रहे हैं महिंद्रा फिनांस की, तो ये लास्ट ऑप्शन महिंद्रा फिनांस का है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक सिंगल पेज का ब्रोशर जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको लोन का एप्लीकेशन करना है तो आप डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे, अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे ये लोन एप्लीकेशन का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, सेंड ओटीपी करके ओटीपी वेरीफाई करनी है, फिर ये फॉर्म फिल करके आप लोन का प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे, लोन का एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार आप भी अपने यहाँ आने वाले कस्टमर का अगर कोई व्हीकल लोन लेना चाहता है, ऑटो लोन लेना चाहता है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन या आवेदन कर सकते हैं। तो
दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया महिंद्रा फाइनेंस के ऑटो लोन के बारे में सीएससी पोर्टल के थ्रू से। तो आशा करता हूँ वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।